उच्च अधिकारियों को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जब जो फोटो न्यूज़ चैनल्स पे 12 नवंबर को दिख रही है और वही फोटो आधार कार्ड में भी पाई जा रही है, आधार कार्ड रिकवर हो रहा है 8 दिसंबर को, एफआईआर हो रही है 26 नवंबर को और 26 नवंबर तक पुलिस के पास कोई भी एयरपोर्ट की अथॉरिटी से सीआईएसएफ से कोई भी ऐसा एक्सेस नहीं था जहां से वे जान सकते कि आधार कार्ड को ही दिखाया गया है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस ने पूछा एयरपोर्ट अथॉरिटी से तो उन्होंने बताया कि 10 गवर्नमेंट आईडी में से कोई भी एक आईडी दिखा के एंट्री पाई जा सकती है। 26 नवंबर तक पुलिस के पास कोई डिटेल नहीं थी कि उन 10 गवर्नमेंट आईडी में से कौन सी आईडी दिखाई गई है, इसलिए 12 नवंबर को ये जो फोटो हुई वायरल, इस फोटो के आधार पर इन्होंने इसी फोटो को क्रॉप किया और इस तरीके की फोटो को बनाया जो आधार कार्ड में आप सब लोगों ने देखा है कि फर्जी आधार कार्ड पे यही फोटो लगी है। क्या इरफान सोलंकी के पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो नहीं थी? अगले हफ्ते 91 सीआरपीसी का नोटिस कोर्ट के माध्यम से गूगल और फेसबुक की कंपनियों को भेजा जाएगा, जहां से मांग करी जाएगी कि किन सिस्टम्स पे ये फोटो डाउनलोड करी गई है, किन लोगों ने, किन फेसबुक प्रोफाइल के व्यूअर्स ने इनके फेसबुक प्रोफाइल को सर्च किया है, देखा है, ये सारे आईएमई ट्रेस कराए जाएंगे और उसके बाद जो भी होगा सच वो सामने आ जाएगा। गैंगस्टर एक्ट में जो एफआईआर लिखी गई है वो आगजनी वाली घटना को लेकर लिखी गई है। गैंगस्टर एक्ट के सेक्शन 14 में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि जिस अपराध के आधार पर गैंगस्टर बनाई गई है उससे अर्जित संपत्ति को ही अटैच किया जा सकता है, उसको सीज किया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी और संपत्ति को नहीं छुआ जा सकता। जब चुनाव आयोग को, आयकर विभाग को सारी संपत्तियों का ब्यौरा जा चुका है, पहले से दाखिल है, सारी संपत्तियां डिक्लेयर्ड हैं, उसके अलावा यदि कोई संपत्ति सीज करनी है तो सीज कर लें।